बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स, आज था संडे का दिन, मौसम सुबह सुबह बहुत अच्छा हो रहा था, तो फिर हम लोग जो है बाहर आ गए बच्चों के साथ हलवा पूरी खाने। तो ये हमारे घर के करीब है बेकरी ना, तो यहाँ की जो है हलवा पूरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम बैठ तो गए थे, लेकिन यहाँ का जो है ना सिटिंग एरिया सही नहीं था। ये जो है अलजन्नत बेकर्स है और इनकी हलवा पूरी बहुत अच्छी होती है। और मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, तो हमने ऑर्डर दे दिया है। अभी देखें, अभी आ जाती है हमारी हलवा पूरी। तो यहाँ पे जो है हमारी हलवा पूरी आ गई है। यहाँ जो है मैंने आपको बताया ना सिटिंग एरिया थोड़ा सा वो है, तो यहाँ थोड़ा खाने में प्रॉब्लम हो रही है। बस फिर हम लोग ने यही हमने यहाँ 3 पूरियाँ मंगवाई थी, ये हमने खाई। फिर हमने उसके बाद जो है मैंने इनको कहा नहीं भाई बैठना, सिटिंग एरिया थोड़ा सा मसला है, तो हम यहाँ से चलते हैं। फिर हम वहाँ से जो है इधर आ गए थे। ये जगह तो नहीं मुझे याद ये कौन सी थी, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को इसकी बेकरी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी। और मौसम बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हो रहा था। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हम सब की मोटिवेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाएँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बेकरी दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे बेकरी थी और हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आया, तो इनके पापा कहने लगे यहाँ का बहुत अच्छा है, तो फिर हमने यहाँ पे जो है ये मंगवा ली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और यहाँ पर हलवा पूरी भी बहुत मज़े की थी। वेट करते करते बेटा हो जाती है, ले पहलवान साहब आ गया आपका नाश्ता। कह रहा मेरे लिए शन्ने आ गए, शन्ने शन्ने खा लो शन्ने। अच्छा आप क्या आगे कर रही हैं बेटे, हलवा कहाँ में बेटे का लेगा ना बेटा सारा, ये रायता उधर करने बीच में। बड़ी हवा चल रही है, नहीं वो चने आ दो यार, वो यार। तो बस अब हमने यहाँ ये खा रहे हैं, फिर उसके आप लोग बाद मिलते हैं। तो हमने वहाँ पे जो है व्यूअर्स खा पी के फिर वापसी पर बच्चों ने कहा कि मामू के घर चलें गाय देखनी। आपको पता है जब जानवर आ जाते हैं तो बच्चों का क्या होता है। फिर हम लोग बस यहीं आ गए थे, तो ये लोग जानवर के साथ लगे हुए थे, ये लेके उसको घूम रहे थे। मोहम्मद अहमद ऐमन जो हैं बस पीछे पीछे घूम रहे थे, लेकिन आज जो है मोहम्मद अहमद ने हाथ लगाया थोड़ा जानवर को ना, तो बस ये लोग यहाँ मस्तियाँ कर रहे थे। इसका मैंने जो है फर्स्ट व्लॉग पहला बना के डाला था कि हम लोग जब देखने गए थे जानवर को। बस वापसी पे जो है हमने कहा चलो हम रास्ते से बाहर से ही बस मिल के आप लोग चलते हैं भैंस घर। तो बस ये संडे की हमारी ये रूटीन थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है, मौसम को एंजॉय किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा और हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं। अल्लाह हाफिज़।